कि हम लोगों ने अपना समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो एकता का परिचय हम लोगों ने दिया है, और कठिन परिस्थिति में धान कटनी का समय हो गया था, इसके बावजूद भी कार्यक्रम तय था और इस कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं संगठन का गुआ होने के नाते आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खासकर हमारे बीच बोदरा जी हैं, ऐसा जी हैं और अलावा जी हैं, और हमारे बीच में राजेश कच्छप जी आए, सनी जी आए, और ये लोग खासकर अलावा जी के लिए और राजेश जी के लिए, सनी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, मुझे स्वर्गीय कार्तिक बाबा जब 60 के दशक में आंदोलन करते थे और उस समय उन्होंने 20 साल काली रात की जो पुस्तक लिखी थी उससे मुझे जो प्रेरणा मिला और उसको लेके जो मैं आंदोलन को आगे बढ़ाया निरंतर 30 सालों तक, और ये क्रम जारी है। उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने पार्टी के बारे में उन्होंने कहा था, आज मुझे अलावा जी को देख के वो बातें याद आ गई, और ये चीज मैं अलावा जी के लिए कहना चाहता हूँ, युवा भी हैं, कल भी मैंने कहा था कि कार्तिक बाबा ने कहा था कि मैं ऐसे पार्टी में हूँ जो 20 साल तक आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसी घर में रह के कुछ अपने समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, हक अधिकार को लिया जा सकता है। उस समय की बातें थी, और आज कांग्रेस में रहते हुए अलावा जी यहाँ पर आए हैं, पार्टी की चिंता नहीं है कि टिकट देगी नहीं देगी, और पहले भी वो आंदोलन करते थे, तो आज इस आंदोलन में वो आए हैं। और जैसा कि कल हम लोगों ने छोटी मीटिंग की थी, ये हम लोग का सभा के बाद में यही बात कि हम लोग 20 लोगों का एक टीम बना रहे हैं, और जो लोग सरना धर्म के बारे में जो आंदोलन कर रहे हैं और भी संगठन है जो नहीं समझ पाए हैं, उनके बीच में मैं यहाँ से झारखंड अभी हम लोग लौटेंगे, और हम लोग समय निर्धारित करेंगे, और जो निर्धारित समय है जो 26 फरवरी का जो आंदोलन है, यहाँ से हम लोग ऊर्जा लेके जा रहे हैं, केंद्र की सरकार को हम लोग चेताने के लिए यहाँ पर आए थे, और सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने दिल की बातों को आप लोगों को जो भी समय मिला उसमें आपने अपनी भड़ास को निकाला है। कई मीडिया के लोगों ने कहा है कि आप कैसे आंदोलन करेंगे, सरकार बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, तो हमने कहा कि आदिवासी भी ताकतवर है, कितनों बड़ा शक्तिशाली हो लेकिन वो आदिवासी से बड़ा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। मैंने कहा है कि हम 40% रॉयल्टी केंद्र को देते हैं भारत देश को, और उस राज्य से हम लोग आए हैं, और उड़ीसा भी कम नहीं है, छत्तीसगढ़ भी कम नहीं है, और इसलिए उस राज्य से हम लोग आए हैं, और हम लोग यहाँ का बिजली पानी हुक्का पानी बंद करने की औकात रखते हैं, और इसलिए आदिवासियों से बड़ा शक्तिशाली कोई सरकार नहीं हो सकता, इस बात को आप सबों को जहन में रखना होगा, और इसलिए हम लोग बड़ी लड़ाई की ओर आगे अब बढ़ रहे हैं, और इसलिए जंतर मंतर में धरना हो गया, 26 फरवरी को रैली है, और हम लोग रामलीला मैदान में बड़ा रैली करने जा रहे हैं। इसके बाद जो तिथि की घोषणा हम लोग झारखंड जाके जितने भी संगठन यहाँ पर आए हैं उसको बुला के, अलावा भी साथ में होंगे और भी संगठन होगी, और उसके बाद में हम लोग दिल्ली जंतर मंतर का ये कार्यक्रम तय करेंगे, और जो भी कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा है कोई दूसरे और संगठनों के द्वारा, आप जितने भी राष्ट्रीय सरना समाज रक्षा अभियान के साथ जुड़े हैं, आप विचलित नहीं होंगे कि हमारे संगठन के अगुवा कुछ नहीं कर रहे, हो रहा है बड़ी धैर्य के साथ। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह, जैसा कि बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ अभी, लोग पांचवन सूची के बारे में संविधान की बातों को नहीं कह के, आपने खूंटी में देखा क्या हुआ, गोली चल गया, मर्डर हो गया, और फिर लोग जेल चले गए, और आदिवासियों को कोई नहीं चाहता, क्यों कि हम लोग समृद्ध हैं, हम शक्तिशाली हैं, और इसलिए वो लोग चाहते हैं कि गाय और भैंसा के ऊपर में अंदर में आप लोग देखते होंगे शरीर में कौन सा चीज चिपका हुआ रहता है, उसे हम लोग सादरी भाषा में आठू कहते हैं, जो उसका खून चूसता रहता है, उसी तरह का हमारे शरीर में जो खून है, जो ताकत है, और ये जो परजीवी हैं हमारे खून को चूसना चाहते हैं, और इसीलिए ये लोग जिंदा हम ही से हैं और हम ही को खत्म करना चाहते हैं। तो जब आदिवासी खत्म होगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी प्रकृति की उपासना करने वाला है, और इसलिए कई विद्वानों ने कहा है जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, और जो स्वयं में प्रकृति को महसूस करता है, और जिनका इष्ट प्रकृति है और वही अनादि है, इसलिए हम सभी सरना धर्मावलंबी
जो प्रकृति के उपासक हैं, हम लोग बहुत जल्द झारखंड जाके घोषणा करने वाले हैं कि अगला रणनीति हमारा क्या होगा। आप लोग सभी संगठनों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हुई है। बस जो भी मीडिया चैनलों के माध्यम से सरकार को हम लोगों ने अपनी बातें रख दी है, चाहे आरएसएस की बात हो, प्रधानमंत्री की बात, सरकार की, चाहे विपक्ष हो, सत्ता, सभी सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं जिन भी पार्टी में, सभी लोगों को कह मैंने हम लोग मीडिया के माध्यम से कहा है। और हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग उग्र और कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हाँ, तब है कि जब सर से पानी बहने लगेगा तो आदिवासी, जैसा कि हम लोगों के पास जो हमारा सरना झंडा जो प्रतीक के रूप में है, हम सादा हैं, सच्चाई हैं और सत्य पर हम लोग जिंदा रहते हैं। कार्तिक बाबा हमेशा कहते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं और इसलिए हम सादा झंडा लेके चलते हैं। और हमारा एक लाल रंग भी है जो हम बलि पर था, बलि भी देने के लिए, और जो हमारा लाल रंग है जो क्रांति का प्रतीक है, और हम शांति के वाहक हैं और क्रांति भी करना जानते हैं, और जो शांति और क्रांति का प्रतीक हमारा सरना झंडा जो है, इसे लेकर हम दिल्ली आए हैं और ये संदेश देने के लिए कि हमारा अधिकार हमें दो और नहीं तो फिर हम आपके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय धर्मे जोहार। जितने भी प्रतिनिधि सभी यूपी से, बिहार से, झारखंड से और हमारे असम से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, जहां से भी आए, सभी लोगों को, खासकर दिल्ली सरना समाज के सभी अगुवाजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका काफी सहयोग रहा है। और हमें यही आशा और उम्मीद है कि जब जब दिल्ली में हम लोग दस्तक देंगे, मुझे लगता है कि आप 24 घंटा हमारी सेवा में आप तत्पर रहेंगे। इसलिए आपको हम लोग तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और चलिए, हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी लोग अच्छे तरीके से जैसे आए हैं, जैसा कि आते समय आपने ढोल और मांदर के साथ में, आपने ट्रेन में गीत गोविंद के साथ आप लोग आए हैं, और आज जाते समय भी कुछ लोगों का आज ट्रेन होगा, कुछ लोगों का कल होगा, तो आज भी आप लोग गीत गोविंद करते ही वापस जाएंगे। और मैं अंतिम में चाहता हूं कि हमारी झारखंड का जो टीम है, उड़ीसा का या बंगाल का, सभी लोग आ जाएंगे, एक बार हम लोग एक भजन गाएंगे और उसके बाद में सभा की समापन करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे।